गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं विश भी यही करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे से रहने चाहिए, सबकी हेल्थ अच्छी से रहनी चाहिए, खुश रहने चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कैमरे के सामने ऐसे बात करने क्यों आई हूँ। क्या आप गेस कर सकते हैं मैं क्यों आई हूँ? वैसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप मेरे बारे में बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जानते हैं। जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, वैसे वैसे आप लोग मेरे बारे में जानेंगे, मेरी लाइफ के बारे में जानेंगे, और वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो अभी तो मैं इतनी जल्दी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आप चीज़ें गेस करें मेरे लिए। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। आज है 22 अप्रैल और आज मेरी एनिवर्सरी है, पर इस एनिवर्सरी पे मैं और हस्बैंड साथ में नहीं हैं, वो घर पे हैं और मैं यहाँ पे हूँ। उनकी जॉब की कमिटमेंट्स हैं और मेरी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से इस एनिवर्सरी पे हम लोग साथ में नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी रिलेशनशिप और किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर दिन ही होना चाहिए, और अगर उस दिन सेलिब्रेशन नहीं हुआ तो हम सेलिब्रेट कर ही नहीं सकते। ये दिन तो इसलिए होते हैं कि हमें एक रीज़न मिल जाता है सेलिब्रेट करने के लिए, बट अगर वाकई में हमको सेलिब्रेट करना हो तो हम किसी भी दिन किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और फैमिली के साथ थोड़ा बहुत सेलिब्रेट जो भी है कर लिया है, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। आप लोगों से बात भी नहीं की है मैंने, कुछ दिल में था जो मैं आपसे बोलने आई थी। वैसे मेरी YouTube जर्नी अभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है, बहुत इनिशियल ही फेज़ में है, लेकिन फिर भी मैं आज ये बोलने के लिए आई हूँ कि जितने भी सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मैं भी अभी अपनी जर्नी के बिल्कुल स्टार्टिंग में हूँ, और कुछ चीज़ अगर आपको वीडियो में अच्छी नहीं लगती है या आपको लगता है कि मैं कुछ चेंज कर सकती हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम कि आप अपने फीडबैक्स मुझे कमेंट्स में दीजिए, मैं ज़रूर उन पे वर्क करूँगी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि कोई मुझे अगर कुछ क्रिटिसिज्म दे रहा है तो मैं उसको पॉजिटिवली ना लूँ। शायद वो मेरे ही अच्छे के लिए होगा और मैं ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी, क्योंकि अभी मैं चीज़ें सीख रही हूँ, अभी मैं चीज़ें समझ रही हूँ। धीरे धीरे मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगी हैं, तो मैं उस हिसाब से वर्क कर रही हूँ। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट बढ़ता चला जाएगा। जब तक आप लोग अपने फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे भी क्लैरिटी बहुत देर से होगी। कुछ भी अगर आपको मेरे वीडियोस में अच्छा भी लगता है तो आप प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो बस मैं आज स्पेशली एनिवर्सरी पे अपनी ये बोलने आई थी कि जितने भी सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरी इस जर्नी को भी एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मुझे बोलनी थी। 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और उसके बाद मैं कितनी बार घर पे आती हूँ, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिलता कि अपनी शादी की एल्बम्स एंड ऑल को देखा जाए। हम बहुत ज़्यादा देखते भी नहीं हैं, बट मुझे परसों ही अपनी ये एल्बम्स दिखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँ इस पे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं भी अपनी मेमोरीज़ को रिलिव करूँगी। तो ये मेरी शादी की एल्बम है। सो आप लोग हमारे फैमिली में किसी को या रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में किसी को जानते तो है नहीं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बोर नहीं करूँगी कि एक एक पेज में आपको एल्बम का दिखाऊं, बट मैं हाँ आपको थोड़ा बहुत दिखा सकती हूँ। तो मेरा नाम तो रितिका है, जैसे मेरे चैनल पर लिखा है। मेरे हस्बैंड का नाम नितिन है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 22 अप्रैल 2018 को हमारी शादी हुई थी। सो गाइज, 2 एल्बम्स बनी थी हमारी, कैंडिड और ट्रेडिशनल का बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो एक मेरी ट्रेडिशनल एल्बम है और एक मेरी कैंडिड एल्बम है। थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स आपको दोनों का देने वाली हूँ। पहले मैं आपको अपनी कैंडिड एल्बम दिखाने वाली हूँ। तो ये मेरी शादी की डेट है और ये हैं पोजेस स्टार्टिंग में, और मोस्टली इनमें ऐसे पोजेस ही होंगे जो हर ब्राइड और ग्रूम को अपनी शादी में करने पड़ते हैं। कुछ लोग काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं ये पोजेस देने में, मैंने कई शादियों में देखा हुआ है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी होता है और उन्हें अच्छा भी लगता है मे बी। बट मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे आदत नहीं है पोजेस देने की, बट द वे दे टर्न आउट इन दी एंड और एल्बम में या वीडियोज़ में जो टर्न आउट होते हैं वो बाद में तो बहुत अच्छे लगते हैं। उस वक्त तो बहुत हंसी मजाक चलता है, और मेरे केस में तो स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा क्लिक्स करने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे इतनी हंसी आती है ऐसे पोजेस देने में। अकेले तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत दे लूँ, बट जहाँ पे कपल पोजेस होते हैं वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती हूँ। बट फिर भी इतनी मेहनत के बाद जो लास्ट में आउटकम था उसका, वो बहुत अच्छा निकल के आया।
तो ये पिक्स हैं गणेश पूजा की। किसी भी अच्छे काम को शुरू करने से पहले हम गणेश भगवान का नाम लेते हैं। इसी पूजा के साथ हमारे शादी के फंक्शन स्टार्ट होते हैं और होने वाली ब्राइड को इस पूजा में येलो साड़ी ही पहननी होती है, किसी और कलर की साड़ी हम लोग नहीं पहन सकते। ये पिक्चर्स है मेरी मेहंदी की। रिंग सेरेमनी से एक दिन पहले मेरी मेहंदी थी। ये मेरे कज़न ब्रदर्स और यहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत मस्ती करी थी, डांस किया था। ये कुछ पोजेस मेरी मेहंदी के हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, बट फोटोग्राफर्स को मानना पड़ेगा ये बहुत बड़ी आर्ट होती है और हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको इतना क्रिएटिव होना पड़ता है। अब ये जो लोकेशन है ये मेरी बालकनी है और पीछे जो हमने घर पे लाइट लगाई थी उनको उन्होंने एज अ बैकग्राउंड लिया है। ये हल्दी की पिक्चर्स हैं जिनमें मैक्सिमम पिक्चर्स में मैं रो ही रही हूँ, मेरी आइज़, मेरा फेस पूरा रेड हुआ पड़ा है। कुछ पिक्चर्स में मैंने फेक स्माइल दी है थैंक्स टू फोटोग्राफर्स जो मुझे बार बार हंसा रहे थे, अदरवाइज आई वॉज क्राइंग इन द होल हल्दी सेरेमनी। ये मेरी इंगेजमेंट की पिक्चर्स हैं। यहाँ पे मेरा लुक थोड़ा सा चेंज हो गया फ्रॉम द एक्चुअल ओरिजिनल लुक जो आपको बाद में दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे गोद भराई सेरेमनी हुई थी तो उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे पहना दी हैं, कुछ चीज़ें उतार दी हैं, तो वो मेरा लुक थोड़ा सा चेंज हो गया था। बट पिक्चर्स फिर भी बहुत अच्छी आई, मुझे अपनी एंगेजमेंट की पिक्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत सारे अच्छे पोजेज हैं। दिस इज़ माई फेवरेट पिक जिसे मैं हमेशा से चाह रही हूँ कि मैं इसे बड़ा सा फ्रेम कराऊँ, बट लेजी मी कि मैं अभी तक इसे करा नहीं पाई हूँ। यहाँ पे दूल्हे की एंट्री हो रही है और यहाँ पे मेरी एंट्री हो रही है और मेरे सर के ऊपर जो चुनरी है वो मेरी मामा की शादी की चुनरी है और मेरा बहुत मन था कि मैं इनकी चुनरी में ही एंट्री लूँ। सो फ्रेंड्स, ये पिक्चर देख के, इसमें जो ये चुनरी है उसे देख के कोई भी मेरे कल्चर का पता लगा लेगा। ये चुनरी हमारे में मस्ट है मैरिड वुमेन के लिए, तो हम कोई भी अच्छे ओकेजन में, त्यौहार में हम इस चुनरी को ज़रूर ओढ़ते हैं और इसे हम कहते हैं पिछौड़ा। सो गाइज, ये मेरी सेकेंड एल्बम है और ट्रेडिशनल एल्बम है। यहाँ पे ये मेरी शादी की डेट है, ऊपर हमारी फ़ोटो है और ग्लास फ्रेम है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिखाने को कुछ होगा नहीं क्योंकि पोजेस तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ऊपर से एक बहुत प्यारा मैसेज इन्होंने डाल दिया है। इस एल्बम में हमने मोस्टली अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो लोग भी मेरी शादी का पार्ट थे तो उन्हें हम लोगों ने कवर किया है। शुरू में हमारी फ़ोटोज़ है बट आगे एल्बम में जितने भी लोग हमारी शादी का पार्ट थे उन लोगों की फ़ोटोज़ को हमने ऐड किया है। बाय द वे गाइज, ये मेरी एंगेजमेंट का ओरिजिनल लुक था, दिस वन, जो बाद में थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये मेरी संगीत की पिक्चर्स हैं। यहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने, जिन्होंने डांस किया था उनकी फ़ोटोज़ को हमने ऐड किया है। कुछ पोजेज मुझसे जो करवाए थे वो भी ऐड किए हैं। यहाँ पे पापा नितिन का वेलकम कर रहे हैं तो ये भी एक सेरेमनी होती है अलग से हमारे यहाँ। अगेन एक रोतलू मोमेंट आ रहा है मेरी विदाई का। मैं और पापा बहुत रोए थे तो मैं इन पिक्चर्स को देखना अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे फिर बहुत इमोशनल होता है। ये एक कैलेंडर है जो हमें हमारे फोटोग्राफर ने बना के दिया था फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स एज अ गिफ्ट। आज का दिन मेरे साथ शेयर करने के लिए और मेरी इस मेमोरी का पार्ट बनने के लिए बहुत 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 थैंक यू। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपके साथ शेयर करके। इससे ज़्यादा अच्छा ये सेलिब्रेशन हो ही नहीं सकता था। इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड स्टे सेफ। नमस्ते।